हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना, मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स में आप सबका स्वागत है। नेशनल फेस्टिवल के खास ओकेजन पर आज मैं स्पेशल स्वीट बनाने जा रही हूँ। इंडिपेंडेंस डे पर बनाए या फिर रिपब्लिक डे पर, ये तिरंगा स्वीट देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। ये स्वीट हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को बनाए जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आपसे जुड़ूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब से मैं इनकरेज होती हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। इस स्वीट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मावा तैयार करना होगा। इसके लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है। आपको अगर भैंस का दूध मिलता है तो मावा के लिए सबसे बेस्ट है। मैं पैकेट का दूध यूज कर रही हूँ। फिर आप इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मार्केट से बना बनाया मावा खरीद लें। ऐसे मावा बनाना भी बहुत ईजी है। बस दूध को सुखाना है, इसे उबाल करना है। जब दूध उबलने लगे तो कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे कि ये तली में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर रबड़ी के जैसा हो गया है। इसे लगातार हिलाते रहना है, साइड साइड में स्क्रैच करते रहना है। इससे होगा क्या कि मावा चिपक कर जलेगा नहीं और ज़्यादा मावा बर्बाद भी नहीं होगा। मावा बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि मावा तली में चिपक कर जले नहीं। जलने के बाद जो है मावा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस स्वीट को बनाने के लिए मावा जो है एकदम ही ड्राई होना चाहिए। मावा ड्राई हो चुका है तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और मावा को हल्का ठंडा होने को छोड़ देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। 7 मिनट बाद मावा पूरी तरह से नहीं पर हाँ, फिंगर मावा में रख सके इतना ठंडा हो चुका है। तो मैं इसमें 180 ग्राम भूरा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास भूरा नहीं है तो भूरा की जगह शुगर पाउडर ऐड कर लें। मावा में भूरा यानी कि तगार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शुगर तो मिक्स हो गया है, अब करना यह है कि मावा को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक हिस्से में ग्रीन फूड कलर डालना है यानी कि हरा रंग को मिलाना है, फिर दूसरे हिस्से में ऑरेंज कलर यानी कि केसरिया रंग डालकर मिक्स कर लेना है। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, उजला शांति का, और हरा रंग तो आप जानते ही हरियाली का प्रतीक है। तीनों रंग हमारा बनकर तैयार है। अब करना यह है कि एक ब्रोटेल यानी कि चकला लेना है। स्लैब पर एल्युमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक शीट को फैला देना है। इसके ऊपर कलरफुल मावा को रख लेना है। मैं पहले ऑरेंज कलर का डो ले रही हूँ, फिर इसे कवर करने के बाद बेलन की हेल्प से फ्लैटन आउट कर लेना है। इसकी थिकनेस आप अपने चॉइस का रखें। अब करना यह है कि इसके साइड को काट कर हटा लेना है। सेंटर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। दोनों पार्ट इक्वल साइज का होना चाहिए। इसे भी सेम प्रोसेस से बेलना है, साइड के पोर्शन को कट करना है, फिर ऑरेंज कलर के शेप से माफ कर इक्वल शेप में इसे कट करना है। दूसरे को भी इसी तरह से इक्वल शेप में काट लेंगे। व्हाइट वाले डो को भी सेम प्रोसेस से अप्लाई करना है। आप इसे मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से बनाना और भी ईजी है। इस स्वीट को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। हमने सारे को इक्वल शेप में कट कर लिया है। अब करना यह है कि ग्रीन पार्ट को सबसे नीचे रखना है, इसके ऊपर उजले पार्ट को रखना है और सबसे ऊपर केसरिया पार्ट को रखकर स्टिक कर लेना है। हमारा तिरंगा स्वीट बनकर तैयार है। है ना मज़ेदार स्वीट। आप इस स्वतंत्रता दिवस पर इस स्वीट को अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। आपके बच्चे आपको दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी ज़रूर बोलेंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बगल में घंटी होगी, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।